स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर फनी मजूमदार जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनके डायरेक्शन में सबसे पहली मूवी आई थी 1938 में, इसका नाम था स्ट्रीट सिंगर। इस मूवी लीड कास्ट में थे केएल सहगल, कानन देवी, जगदीश शेट्टी और विक्रम कपूर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1948 में, इसका नाम था हम भी इंसान हैं। इस मूवी में लीड कास्ट में थे देवानंद, रोमाला देवी, निथारिका और आमिर बानू। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1952 में, जिसका नाम था तमाशा। इसको डायरेक्ट किया था फनी मजूमदार जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे देवानंद, मधुबाला, अशोक कुमार, किशोर कुमार और विपिन गुप्ता। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1952 में ही, जिसका नाम था गूंज। इसको फनी मजूमदार जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे सुरेश, सुरैया, कुलदीप कौर, मुराद और केयन सिंह। अगली मूवी आई थी 1954 में, जिसका नाम था बादबान। इस मूवी को डायरेक्ट किया था फनी मजूमदार जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे देवानंद, मीना कुमारी, उषा किरण, अशोक कुमार और महमूद। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1962 में, जिसका नाम था आरती। इसको डायरेक्ट किया था फनी मजूमदार जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे सुजीत कुमार, मीना कुमारी, शशिकला, राजेंद्र नाथ, कैस्ट्रो मुखर्जी और महमूद। इस मूवी का बजट था 35 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 75 लाख की और दुनिया में कमाई की 1,50,00,000 की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में, इसका नाम था आकाशदीप। इस मूवी लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, नंदा, निम्मी, अचला सचदेव, शुभा खोटे, अशोक कुमार और केष्टो मुखर्जी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में, इसका नाम था काजल। इसके स्क्रीन राइटर थे फनी मजूमदार। इसको डायरेक्शन में था इसके राम महेश्वरी। इस मूवी लीड कास्ट में थे राजकुमार धर्मेंद्र, मीना कुमारी, पद्मिनी, दुर्गा खोटे हिरन और शैलेश कुमार। इस मूवी का बजट था 60 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1,20,00,000 की और दुनिया में 2,40,00,000 की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में, इसका नाम था ऊंचे लोग। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान, नंदा, के आर विजया, कन्हैया लाल, देवन वर्मा। इस मूवी का बजट था 40 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 48 लाख की और दुनिया में कमाई की 96 लाख की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1978 में, इसका नाम था बदलते रिश्ते। इसके स्क्रीन राइटर थे फनी मजूमदार। इसको डायरेक्ट किया था आर झलानी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे जितेंद्र, रीना राय, उर्मिला भट्ट, शुभा खोटे, ऋषि कपूर, असरानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था प्यास। इसमें लीड कास्ट में थे मुमताज, बीना राय, बेला बोस, सुधीर, डेविड अब्राहम और कैस्ट्रो मुखर्जी। अगली मूवी आई थी 1951 में, जिसका नाम था आंदोलन। इसके डायरेक्टर थे फनी मजूमदार। इसमें लीड कास्ट में थे किशोर कुमार, गौरी देवी, पुष्पा, मंजू, शेखर और कृष्णकांत। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1954 में थी, जिसका नाम था धोबी डॉक्टर। इसको डायरेक्ट किया था फनी मजूमदार जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे किशोर कुमार, उषा किरण, आशा पारेख, जगदीप और महमूद। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1955 में, इसका नाम था फरार। इसके स्क्रीन राइटर थे फनी मजूमदार। इसको डायरेक्ट किया था फनी मजूमदार जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे देवानंद, गीता बाली, मोहन, कृष्णा और महमूद। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1986 में, जिसका नाम था एक चादर माइली सी। इसके स्क्रीन राइटर फनी मजूमदार थे और डायरेक्टर थे सुखेंद्र चड्ढा। इस मूवी लीड कास्ट में थे ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, हेमा मालिनी, दीना पाठक, कुलभूषण खरबंदा। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूअर्स, ये फेमस इंडियन प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर फनी मजूमदार जी का डायरेक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग करियर था। इनकी स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन बनने की कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।